अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं एकदम रस से भरी हुई बूंदी। इसको बनाना बहुत आसान है, बस इसको बनाने के लिए एकदम परफेक्ट माप होना चाहिए, तो बूंदी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया एक बड़ा सा बाउल, उस पर एक छन्नी रख देंगे, क्योंकि हमको जो बेसन हम यूज़ करेंगे उसको छानना ज़रूरी है, इसलिए हम पहले छन्नी रखेंगे फिर हम ले लेंगे बेसन। तो बेसन आप कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी बेसन आपके पास हो। इसमें हमने 1.5 कप बेसन डाला है, तो 1.5 कप के हिसाब से हम बना रहे हैं, तो इसलिए हमने इसमें 1.5 कप डाला है। और इसको छान लेंगे, जो इसमें गुठली वगैरह होगी, जो गंदगी होगी वो निकल जाएगी। तो हमने इसको छान लिया है, छान कर फिर हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी का भी माप एकदम सही होना चाहिए, तो बूंदी हमारी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो हमने इसको छान लिया, छान के इसको निकाल दिया है। अब हम पानी लेंगे, तो पहले हमने इसमें 1 कप भर के पानी डाल दिया है, 1.5 कप के हिसाब से हमने इसमें 1 कप पानी डाला है। तो पहले इसको मिलाएंगे, अगर ज़रूरत होगी तो ही हम इसमें आगे डालेंगे पानी, नहीं तो हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर 1.5 कप बेसन हमने लिया है तो उसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। बेसन जैसे है उसके हिसाब से हमको पानी डालना है। कोई कोई बेसन ऐसा होता है कि उसमें पानी ज़्यादा सूखता है, कोई कोई बेसन में पानी कम लगता है। तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला है, और फिर इसको अच्छी तरह से फेंटना है, बिल्कुल भी इसमें लम्स वगैरह ना रहे। फिर 1 चम्मच हम इसमें तेल डाल देंगे, तेल डालने के बाद 1 चुटकी डालेंगे बेकिंग सोडा, और फिर इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। थोड़ा सा ले लेंगे 2 चुटकी फूड कलर, उसमें पानी डालेंगे, डाल के उसको भी डाल देंगे। पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा सा कलर चाहिए तो ही आप इसमें डालें, नहीं तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। फिर इसको अच्छी तरह मिला लेंगे और इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम इस तरह से उठाएंगे और उठा के देख लेंगे। ऊपर से गिराने के बाद अगर ये बूंदी की शक्ल में गिर रही है तो हमारी बूंदी एकदम परफेक्ट बनने वाली है। अब हम उसको एक साइड में रख देंगे, और रख के अब हमको चाहिए इस तरह से कोई एक खाली डब्बा, जो मिठाई वगैरह के लिए आता है उसको हम ले लेंगे, क्योंकि जो झारा होता है जिससे बूंदी बनती है वो सबके पास नहीं होता है, सब नहीं रखते हैं। तो इसलिए हम बहुत इजी तरीके से इसको बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने डब्बा ले लिया है, अब हम इसमें छेद करेंगे। तो आप पहले एक पेचकस ले लें और उसको खूब अच्छी तरह से गर्म करें, गर्म करके फिर इस तरह से आप छेद करते जाएंगे तो बहुत ही आसानी से इसमें छेद हो जाएगा। बस जो पेचकस आप लें उसको खूब अच्छी तरह से गर्म करें, तब इस तरह से आप करते जाएं। हमने एक तरफ रख दिया है तेल गर्म होने के लिए, तेल गर्म हो चुका है। अब हम बूंदी बनाने वाले हैं, तो हमने डब्बे को थोड़ा सा ऊपर रखना है और इसमें डालते जाना है जो बैटर हमने तैयार किया है उसको डालते हुए। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये बन रहा है, तो इस तरह से हम बनाते जाएंगे। अगर थोड़ी बहुत अगर लंबी बूंदी बन जाए तो आप उसको चाहे निकाल दें या तो उसको तोड़ लें। तो इस तरह से देखिए हमारी बूंदी एकदम अच्छी तरह से बन चुकी है। तो इसी तरह से आप सारी बूंदी बना लें। अब बूंदी अगर आपको एक कलर में चाहिए तो एक ही कलर में बनाएं, अगर आपको 2 कलर में चाहिए तो आप थोड़ा सा लास्ट में बचा के बैटर को उसमें दूसरा कलर मिला दें। तो हमने इसमें 2 कलर का बनाया है, ये ऑरेंज कलर है जो सिमई और जर्दा वगैरह में डालते हैं वही, और थोड़ा सा ग्रीन कलर लिया था उसको डाल दिया था उसमें बैटर में, उससे भी हमने थोड़ा सा बना लिया था। अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है और उसमें डाल देंगे पानी। तो हमने 1.5 कप अगर बेसन लिया था तो 1.5 कप हम पानी डालेंगे और 1.5 कप हम इसमें चीनी डालेंगे, और फिर हम इसमें डाल देंगे कलर। थोड़ा सा कलर हमने पहले भी डाला था बैटर में, अब थोड़ा सा कलर हम इसमें भी डालेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। देखिए इसमें हमने आपको बूंदी को तोड़ के दिखाया है, एकदम अच्छी तरह से बनी हुई है, क्रिस्पी है। और इसको थोड़ी देर उबालेंगे, करीब 1 से 2 मिनट तक तेज़ आंच पे उबालना है। उबाल के फिर हम इसको चेक कर लेंगे, जैसे रसगुल्ले की चाशनी बनती है बिल्कुल सेम वैसे बनाना है। अब हम इसमें डाल देंगे बूंदी, और बूंदी डाल के फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए बंद करके रख देंगे। तो देखिए हमने इसमें ग्रीन कलर भी बूंदी का बनाया है, उसको भी हमने इसमें डाल दिया है। तो 1.5 कप में हमने इतनी ढेर सारी बूंदी बनाई थी, 1.5 कप हमने पानी लिया था चाशनी के लिए, और 1.5 कप हमने चीनी ली थी, और बेसन भी हमने 1.5 कप ही लिया था।
बस जब हम बेसन को घोलने लगेंगे तो पानी उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बेसन कैसा है, तो उस हिसाब से हमको उसमें बेसन में पानी डालना होगा। बाकी सब जो है 1.5 कप हमको इसमें डालना है। अब हमने इसमें बूंदी डाल के अच्छी तरह से फैला दिया है, फैला के इसको हम बंद करके रख देंगे जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता। जो ये बूंदी है चाशनी को एकदम सोख लेगा और एकदम परफेक्ट बूंदी आपकी बन के तैयार होगी। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर और देखिए हमारी बूंदी एकदम अच्छी तरह से तैयार हो गई है। हमने दूसरे बाउल में निकाल लिया है और आपको दिखा रहे हैं कितनी परफेक्ट बूंदी बनी है और बिल्कुल भी रस नहीं दिख रहा है। जो हमने चाशनी बनाई थी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, पूरी तरह से इसने सोख लिया है। अब हम आपको दिखाते हैं इस तरह से, अगर आपको लड्डू बनाना है तो आप लड्डू भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से ये बन के तैयार होगा। अगर नहीं तो आप इस तरह से भी अगर बना के खाएंगे तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही परफेक्ट, ना तो मीठा ज़्यादा ना तो बहुत कम मीठा, इस तरह से आप बना के इसको खा सकते हैं।